सो हेलो दोस्तों एंड आप सबको दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मतलब ये सोच तो कि ऊपर इतने सही से मैंने पहना है और नीचे चप्पल पहन के निकल रही हूँ। मतलब मैंने ये सोचा है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उन्हें ले सकते हैं, ये बहुत बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है। And welcome back to my channel. And today is the third day of Durga Puja, and I'm going to roam with my friend who stays just 20 minutes from this place. And I'm with my sis, and we are going to show you guys beautiful pendals of Agartala. But for this vlog, I'm thinking that I'll be speaking only in Hindi for 24 hours. So make sure to watch this video till the end. So, मैं ये बोलना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों मेरी ये जो पल्लू है ना हमेशा नीचे गिरती जाती है। आज भी यही हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे रखूं। ये सही है ना कि पल्लू रखने से थोड़ा धूप से बच जाता है। सो अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा वहां पहुंचने के लिए, क्योंकि ये जो गली है ना बहुत अंदर है और पैदल जाके मुझे वहां से ऑटो पकड़नी पड़ेगी और मुझे इसे दूसरा ऑटो चेंज करना पड़ेगा दूसरी जगह पे। तो वही अभी थोड़ा टाइम लगेगा, फिर भी रास्ते में कुछ बहुत सारे सुंदर सुंदर पैंडल्स बने हुए हैं, मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। मतलब ये सोच तो कि ऊपर इतने सही से मैंने पहना है और नीचे चप्पल पहन के निकल रही हूँ। मतलब मैंने ये सोचा है कि फ्लैट्स पहनूंगी तो खराब हो जाएंगे, तो फिर इसीलिए मैंने सोचा चप्पल ही सही रहेगा। चलिए फिर। गाइस अभी मेरी फ्रेंड भी तैयार हो चुकी है और अभी हम बाहर निकल के आप लोगों को सारे पैंडल्स दिखाएंगे जो भी नजदीकी पैंडल्स है। तो प्रिया जरा इनको बताइए हम कहाँ जा रहे हैं। पहले अभी फिलहाल हम लोग फर्स्ट जाएंगे स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में जो एकदम पास में ही है हमारे, तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ। हाँ, और अगर इस बार भी मेले लगते हैं तो मैं आप लोगों को सही से दिखाऊंगी, क्योंकि मेले में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें मिलते हैं। तो गाइस चलो फिर हमारे साथ। Thank you.
कारण, और यहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं है, बस थोड़ी सी मेला लगी हुई है। यहाँ पे फुचका वुचका बेचते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को थोड़े नजदीक जाके दिखाऊंगी। यहाँ पे इन दोनों की फोटो सेशन चल रही है, बाकियों का भी फोटो सेशन ही हो रहा है। ये सारे बच्चों के खिलौने वगैरह है, दाम ज्यादा है। अच्छा, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इन्हें ले सकते हैं, ये बहुत बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है। और ब्रेसलेट्स वगैरह, नेकलेस है, सारी पे बच्चे भी खेल रहे हैं। खेलने के लिए कुछ है, कार्स वगैरह। अभी हम कुछ का खाने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी जो फीलिंग्स है सब्जी के हैं, मैंने इसको भरता बनाया हुआ है, ठीक है, माय फर्स्ट ट्रायल। बहुत सही है, खा। सो गाइस, अभी हमने पुचका खा लिया और बहुत सही था, ज्यादा स्पाइसी नहीं था, काफी सही था। और
अभी हम देख रहे हैं कि कहाँ पे जूस होगा, क्योंकि थोड़ा तो स्पाइसी लगा हमें। और दूसरी बहन भी है जिसे मैंने आप लोगों को नहीं मिलवाया अभी तक। हाय कर दो, वो बिजी है अपने फोन में। और मौसम फिर से खराब होने लग गया है। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ बारिश आने से पहले खत्म हो जाए ये ब्लॉग भी, फिर चलते हैं जहाँ पे जूस होगा। हमने ले लिया। अभी हम राधानगर जा रहे हैं, वहाँ से हम उषा बाजार जाएंगे, क्योंकि वहाँ की जो पंचायत सुंदर है आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अभी हम पहुंच चुके हैं उषा बाजार, और यहाँ पे तो बहुत बड़ी मेला लगी हुई है। ये है जहाँ पे हमें जाना है। वैसे तो ये लोग हर साल करोड़ में खर्चा करते हैं ये सुंदर पंडाल बनाने के लिए। और যারা মাস্ক নিয়ে আসেনি তাদের কাছে আমাদের অনুরোধ আছে, তাদের কাছে আপনারা মাস্ক। মেরে পাস মাইক ভি নেই হ্যায় ইসলিয়ে মুঝে থোড়া জোর সে বোলনা পড় রহা হ্যায়। পৌঁছনে ওয়ালে হ্যায়, বহুত ধীরে ধীরে হ্যায়। यहाँ से इसका एंट्रेंस तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी भीड़ है लोगों की अंदर जाने के लिए, लेकिन हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें वापस भी जाना है। ये जगह बहुत दूर है, जहाँ से मैं रहती हूँ वहाँ से बहुत दूर है।
को दिखाया उषा बाजार की जो पेंडल है वो, और यहाँ पे मेले भी लगे हैं, गुब्बारे भी लगे हुए हैं और आइसक्रीम वगैरह, और वापस जा रहे हैं। अगले ब्लॉग में बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।